यूक्रेनी ठिकाने पर रूस ने कहा किया सबसे बड़ा अटैक। कुर्स्क में माइन लॉन्चर को यूक्रेन ने कैसे किया ध्वस्त और यूक्रेन के लिए क्यों मुश्किल है डोनेस्क बचाना। विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। कुर्स्क क्रूर युद्ध का केंद्र बनते जा रहा है। बॉर्डर के पास रूसी वायुसेना ने विध्वंसक हमला बोला। यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट और वेपन स्टोरेज को टारगेट कर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूसी SU-25 के सटीक हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा है। कुर्स्क के बाहरी इलाके में रूसी आर्मी ने विध्वंसक अटैक कर यूक्रेन को तगड़ा झटका दिया। मैनपैड लॉन्चर मोर्टार और आर्टिलरी से किए गए हमले में यूक्रेनी आर्मी के 5 ठिकाने और 3 इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन तबाह कर दिए। इन हमलों में यूक्रेन के 50 सैनिक के मारे जाने की खबर है। कुर्स्क में अमेरिकी हाईमार्स का धुआंधार एक्शन देखने को मिला। दक्षिणी इलाके में अनगाइडेड एमिलारिस जेमलेडेलिया से 122 मिलीमीटर के रॉकेट दागे गए। यूक्रेन के इस हमले में रूस का माइन लॉन्चर तबाह हो गया। जानकारी के मुताबिक सूमी क्षेत्र में रूस माइन फील्ड बना रहा था। कुर्स्क क्षेत्र में रूस की स्ट्राइक लगातार जारी है। यूक्रेनी सेटलमेंट पर गाइडेड बमों से हमले हुए। सूमी कुर्स्क बॉर्डर से आए इस वीडियो को देखिए। FAB 3000 बम के हमले में यूक्रेनी सेना के एक कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा है। कुर्स्क का स्नेक गोस्ट पूरी तरह से यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कब्जे से मुक्त हो चुका है। 24 घंटे के ग्राउंड ऑपरेशन के बाद रूस ने वीडियो जारी कर ये दावा किया। वीडियो में रूसी मरीन कॉर्प्स और एयरबोर्न रेजिमेंट के झंडे शहर में लहराते नजर आए। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस की चौतरफा अटैक की प्लानिंग है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने अपने 60,000 सैनिकों को फ्रंट पर भेजा। यूक्रेन के खिलाफ 1300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक साथ ग्राउंड ऑपरेशन चलाए जाने की योजना है। डोनेस्क में रूस की आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी खेमे में खलबली मच गई। के माकिवका में अचानक हुए हमले में अमेरिकी BMP-2 व्हीकल के परखच्चे उड़ गए। BMP-2 में भारी मात्रा में गोला बारूद थे जिसमें विस्फोट से पूरा इलाका दहल गया। यूक्रेन के निकोपोल में रूस की बमबारी से भारी तबाही हुई। इस दौरान 1912 में बना एक चर्च भी जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि हमले के वक्त चर्च में कोई मौजूद नहीं था। रिहायशी इलाके के कई बिल्डिंग भी तबाह हुए हैं। रूस की स्ट्राइक में 6 लोगों के घायल होने की सूचना है।